नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आर्मी बैकपैकर चैनल। आप सबको फिर से एक नए वीडियो में स्वागत। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नागालैंड के प्रसिद्ध हार्निवल फेस्टिवल के बारे में। पूर्वोत्तर भारत के सेवन सिस्टर की बात होती है तो मन में खूबसूरत पहाड़ों, हरी भरी वादियों, रंग बिरंगे कपड़ों और आभूषण पहने आदिवासी जनजातियों की खूबसूरत तस्वीरें आंखों के सामने छा जाती है। प्रकृति की गोद में बसी पूर्वोत्तर भारत की अपनी अनूठी संस्कृति के कारण एक अलग पहचान है। इस संस्कृति में लोक परंपरा आज भी जीवित है। यहाँ की संस्कृति की तरह यहाँ के त्यौहार भी अनोखे हैं, जो आसानी से दुनिया भर के सैलानियों को अपनी ओर खींच लेते हैं। दूर दूर से पर्यटक यहाँ के त्यौहारों को देखने के लिए आते हैं। पर्यटन ही इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का आधार है। नागालैंड में मनाया जाने वाला हार्नबिल फेस्टिवल ऐसा ही एक त्यौहार है, जिसे देखने के लिए दर्शकों की भारी भीड़ इकट्ठी होती है। हार्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है, जो नागालैंड की 16 प्रमुख जनजातियों की संस्कृति और परंपराओं को प्रदर्शित करता है। हार्नबिल फेस्टिवल की शुरुआत 1992 में हुई थी और इस फेस्टिवल का नाम नागालैंड के राष्ट्रीय पक्षी हॉर्नबिल के नाम पर रखा गया। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक घटना है। ये फेस्टिवल नागालैंड की गौरवपूर्ण संस्कृति और विरासत को दुनिया के सामने लाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल हर साल दिसंबर के महीने में नागालैंड के किसमा विलेज में आयोजित किया जाता है। फेस्टिवल का आयोजन नागालैंड राज्य पर्यटन विभाग द्वारा किया जाता है। इस फेस्टिवल में नागालैंड के सभी 16 प्रमुख जनजातियों के लोग भाग लेते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जैसे नागालैंड की सभी जनजातियों के पारंपरिक नृत्य और संगीत प्रदर्शन इस फेस्टिवल का मुख्य आकर्षण है। नागालैंड के जनजातियों द्वारा बनाई गई कला और शिल्प की प्रदर्शनी इस महोत्सव में किया जाता है। नागालैंड की जनजातियों द्वारा बनाई गई कला और शिल्प की प्रदर्शनी इस फेस्टिवल में आयोजित की जाती है। इस महोत्सव में कई तरह की खेल और प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती है। यहाँ की जनजातियों द्वारा बनाई गई पारंपरिक भोजन और पेय पदार्थों की प्रदर्शनी भी आयोजित की जाती है। दोस्तों, अभी हम नागालैंड के प्राचीन जनजाति बोडो कचारी के कुछ नृत्य और संगीत को देखें। यह जनजाति नागालैंड की संस्कृति और इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान है। तो आइए देखते हैं बोडो कचारी के एक सुंदर, एक मनमोहक नृत्य।
एक्स कुकी ट्राइब खान रेडी कुड़ी लुबी an important form of traditional dance for the Mek Kacharis of Nagaland. They are performed during the Batho Puja or Kerai Puja. This dance is performed mainly by the young women. As per the belief, the young Kachari women dressed in their best traditional attires perform the dance and pray to Borai Batho, the Almighty, to purify their souls and to make their minds steady so as to enable them to indulge in the welfare of the society. Completely.
करेंगे।